Welcome to the world of Nestle Nesvita. Nestle Nesvita लेकर आया है एक ऐसा platform जो young और ambitious लड़कियों को देता है वो inner strength और support जिनसे वो अपने goals को reality में बदल सकें. Today, I'm proud to present to you yet another episode of Nesvita Women of Strength. हमारी आज की Nesvita Women of Strength का goal है एक theatrical performer बनना. हमारी Nesvita Women of Strength के goal को complement करने के लिए हमारे हर show की एक theme हुआ करती है. हमारे आज की शो की थीम है टू रीइन्वेंट. अपने आप को रीइन्वेंट करने का मतलब है कि हालात के मुताबिक और अपने गोल्स के मुताबिक अपने आप को चेंज करना. अगर हम सारी जिंदगी एक ही तरह गुजारेंगे तो इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में पीछे रह जाएंगे. लेकिन हमारी Nesvita वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ को बुलाने से पहले उनके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए और उनको इंकरेज करने के लिए वी हैव एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनके लिए कहा जाता है कि कोई उनसा कहाँ. और उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने आप को रीइन्वेंट करती रहती हैं. फिल्म तुझसा कहाँ 2005 की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी. ये उनकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं. शी हैज मोर देन 200 फिल्म्स टू हर क्रेडिट एंड हैज वन मेनी मेनी अवार्ड्स. प्लीज वेलकम द मोस्ट गॉर्जियस फीमेल फ्रॉम आवर फिल्म इंडस्ट्री, मिस रीमा खान. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. इट्स वंडरफुल टू हैव यू. यू लुक ब्यूटीफुल एज ऑलवेज. आज वाकई बहुत खुशी हो रही है कि आप इस शो पे आई हैं, बिकॉज आई हैव सीन यू फॉर अ वाइल और मुझे आपका काम बहुत पसंद है. यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. अच्छा रीमा, सबसे पहले तो ये बताएं कि इफ यू वर टू डिस्क्राइब और डिफाइन रीमा खान, हाउ वुड यू डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, वेरी फर्स्ट डे से आज तक मेरे साथ है. और इसके अलावा डिटर्मिनेशन, एंथुजियाज्म, ये सारी चीज़ें और अबव ऑल हार्डवर्क. एक बहुत ही अमेजिंग एक्ट्रेस, यू आर आवर नंबर वन एक्ट्रेस एंड देन मूविंग इनटू, बहुत हट चुकी हूं. हां, वो मुझे पता है, सब जरा सा वो होते हैं इससे, लेकिन जो सच्ची बात है वो मैं सिर्फ कहती हूं कि काम बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, बिकॉज़ आई हैव अ फर्म बिलीव कि आपका जो अच्छा काम है, गुड वर्क स्पीक्स इटसेल्फ एंड डजंट नीड एनी सर्टिफिकेट के वो दिखावे का. और उसके अलावा एक चैलेंज था कि एक्ट्रेसेस जो हैं वो मॉडलिंग में जो है वो कामयाब नहीं हो सकती. तो ये बहुत कहा जाता है, इंटरनेशनल जितनी कंपनीज हैं उनकी मैं ब्रांड एम्बेसडर रही हूँ और अभी भी हूँ कईयों की. अब हम मिलेंगे अपनी आज की Nesvita वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ से, जिनका गोल है एक थिएट्रिकल परफॉर्मर बनना. सो प्लीज वेलकम नेहा नवाब. सो नेहा, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम फाइन, थैंक यू. अच्छा ये बताएं कि आपका गोल है थिएट्रिकल परफॉर्मर बनना. हाँ, सीइंग सम ऑफ योर क्लिप्स एंड माय गॉड, इन बॉर्न है भाई आप में तो. व्हाट वाज विद ऑल दैट कॉस्ट्यूम्स एंड वो सारा कुछ आपके स्कूल में हो रहा था? यस मैम, इट्स नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स. वी हैड अ परफॉर्मेंस, हाफ ऑफ इट वाज ऑन थिएटर एंड हाफ ऑफ इट वाज इन फ्रंट ऑफ कैमरा. सो इट वाज अ मिक्स मीडिया परफॉर्मेंस, सो दैट इज व्हाई यू वर सीइंग मी रनिंग एंड डूइंग ऑल दैट. आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए यू आर मीटिंग समवन, आई थिंक यू आर वेरी वेरी लकी टू हैव रीमा खान हियर विद हर यू नो सक्सेस स्टोरी. और आपको गाइड करने के लिए क्या पूछना चाहेंगे आप उनसे? मैम, मैंने आपको देखा है कि आपने स्ट्रगल किया है एंड नाउ माशाल्लाह यू आर द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान. तो यू आर अ ह्यूज इंस्पायरेशन फॉर मी. और मुझे ये लगता है कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल हो जिसको देख के सबको इंडस्ट्री में अपने आप को री एजुकेट करना चाहिए एंड री इन्वेंट करना चाहिए. एंड यू आर एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ दैट. आई टोटली एग्री. रीमा जी, आपने फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव किया है थ्रू योर फिल्म्स. आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा हमें इंडिया के लेवल पे आने पे या हॉलीवुड लेवल पे आने में, हमारे सिनेमा को कितना टाइम लगेगा? देखिए, सबसे पहले तो नेहा मैं एक बात बताऊं कि ज़िंदगी में अपनी लाइफ की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का जो लफ्ज़ है उसको निकाल दो. जब आप ये सोचोगे कि ये मुमकिन नहीं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते. जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री गुज़िश्ता कई सालों से डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो लोग समझते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा अपने कदमों पर नहीं खड़ी हो सकती. अब इसके पीछे एक पूरा सिनेरियो है. जैसे भी हिंदुस्तान की फिल्मों को उनकी पूरी गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है, उनके पास फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है और इंस्टीट्यूशंस हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर
उनकी अब जो अपकमिंग लाइन होती है उसको ट्रेनिंग देने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने एकेडमीज बनाई हुई हैं। इस तरह की फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ नहीं थी, लेकिन अब ये बड़ी खुशाइंद बात है कि बहुत से लोगों ने ये काम शुरू कर दिया। इवन के कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह की क्लासेस दी जा रही हैं, टीच किया जा रहा है स्टूडेंट्स को। तो बात वही आ जाती है कि वो वक्त दूर नहीं जब हम भी अपने उन गोल्स को अचीव करेंगे जिनका हम ख्वाब देख रहे हैं। We have a name that needs absolutely no introduction with us, जिनके लिए रक्स इबादत है। Please welcome the multi-talented, multiple award-winning artist who describes herself as a very spiritual person and her dance as the manifestation of her spirituality. Please welcome Nighat Chaudhary. Thank you so much for being on our show. How are you? Looking as beautiful as ever. अच्छा, सबसे पहला सवाल आपसे निकिता, आप ये बताएं कि when did you start dance? मैंने 5 साल की उम्र से स्टार्ट किया। ओके। और मैं यहाँ पे नहीं पली बड़ी, मैं लंदन में पली बड़ी। अच्छा। हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हाँ। मैं 83 में वापस आया। ओके। तो मैंने शुरू किया क्लासिकल वेस्टर्न बैल, मुझे बैलरीना बनना था। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। फिर मुझे मॉडर्न डांस भी, मैंने 10 साल क्लासिकल वेस्टर्न बैले सीखा। सही। फिर मैंने मॉडर्न डांस सीखा। फिर मैंने नाहिद सिद्दीकी को देखा। अच्छा। जिससे मैं आई वाज सो इंस्पायर्ड, व्हाट अ ब्यूटीफुल डांसर। अच्छा निकिता, ये आज हमारे साथ नेहा है एंड आप इनकी मेंटर बनके यहाँ पे आई हुई हैं, तो आप ये बताएं कि सबसे पहली पीस ऑफ एडवाइस आप इनको क्या देना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू बिकम अ थिएट्रिकल परफॉर्मर। थिएटर की ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। थिएटर की ट्रेनिंग के अंदर लोग समझते कि सिर्फ एक्टिंग आप सीखते हैं, नहीं, उसमें डांस भी सीखते हैं, माइम एंड मूवमेंट भी सीखते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे यहाँ, बॉडी के साथ कंफर्टेबल नहीं होते कई बार कैमरे पे या स्टेज पे। उसकी ये वजह है कि बॉडी अवेयरनेस नहीं होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नापा आई बिलीव इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, यस, अगर कोई इंस्टीट्यूशन कराची में इस वक्त। आपने थिएटर भी किया है, आपने टीवी पे भी एक्टिंग की है, फिल्म भी की होंगी, सो मैम इस मीडियम में, इन सब मीडियम्स में क्या फ़र्क है और आपका फेवरेट मीडियम कौन सा है एंड व्हाई डू यू प्रेफर इट? थिएटर में उसी वक्त आपको रिस्पांस मिलता। टीवी स्मॉलर स्क्रीन है, तो जो आपकी ट्रेनिंग होती है, टीवी और फिल्म की डिफरेंट ट्रेनिंग होती है। फिल्म एक 35 mm पे जाते हैं। एक डांस के मूवमेंट्स भी ना, अगर आप ज़्यादा वो करते हो, आपको करना होता है, अगर आप कम करेंगे तो नज़र नहीं आएगा, 35 का फ्रेम ही डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। आपने थिएटर और टीवी में जब परफॉर्म किया, तो हाउ इजी इट इज़ टू मूव इन टू मूवीज, लाइक कितना इजी रहा है या इज इट डिफ़िकल्ट प्रोसेस? आपके ऊपर होता है कि आप कितनी मेहनत करना, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो टीवी से फिल्म पे जाना, फिल्म से टीवी पे जाना, मैं नहीं समझती मुश्किल है। यह आपके ऊपर है कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, आपके अंदर कमिटमेंट कितना है सीखने का, आगे बढ़ने, इवॉल्व होने का, बस ये है। ऐसा क्यों है कि थिएटर या एक्टिंग को एक नेगेटिव एस्पेक्ट से देखा जाता है? व्हाई डू यू थिंक कि ऐसा है? हम क्रिएटिव हैं और क्रिएटिव साइड को अलाइव रखना होता, अपने लॉजिकल ब्रेन के साथ बैलेंस करना, इसलिए वी हैव क्रिएटिविटी। पाकिस्तान अभी इवॉल्व कर रहा, अभी हम समझ रहे हैं इस बात को, लोगों के जहन में एक गलत कॉनोटेशन आ गया हमारी कुछ फिल्मों की तरफ से भी। अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ द डांसेस हैव नॉट बीन नाइस, सम ऑफ द स्टोरीज हैव नॉट बीन नाइस, इट्स बीन वेरी मेल ओरिएंटेटेड। तो उसकी वजह से जो देखो, आप इतना बड़ा मीडियम तो इम्पैक्ट करता। हमारे वक्त में तो सिर्फ PTV था, गनीमत अगर डांस भी सिखा दिया। सही बात। अब तो हर चैनल पे आपको डांस भी मिल जाता, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता, सो इट्स मच बेटर नाउ। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी नेहा आपसे कि आप इस पर अपना गोल लिखें और अपनी मेंटर्स से एंडोर्स कराएं।